जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपने टाइटल देखा, कॉपी पेस्ट करो तरक्की करो, बिल्कुल सही तरीका है जी। आज के ज़माने में यही करना पड़ता है, बल्कि मैं कहूंगा आज के ज़माने से नहीं, ये काम हमेशा से होता आया है। हमारा कॉपी पेस्ट का जो डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखिए। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, कोई प्रेरणा स्रोत होता है, इंस्पिरेशन होता है, आइडिया होता है, आइडियल होता है। हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें अगर एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो हमें हमारे फेवरेट यूट्यूबर को कॉपी करना होगा। बिल्कुल सही जनाब। लोग अक्सर कॉपी पेस्ट का नाम आते ही समझ लेते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। टाइटल उठा लो, थंबनेल चिपका लो, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उड़ा लो, तो भाई अपने लिए भी तो कुछ बचा लो। तो आज मैं आपको सही तरीके से कॉपी करने का तरीका बताऊंगा। कॉपी भी करो तो तरीके से करो। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात पल्ले बांध लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो जैसे ही आया, ओहो छोड़, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे सुना और बस कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको जो भी करना है टाइम को मैनेज करते हुए करना है। चलिए मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ ये सारी चीज़ें। मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है जनाब। आपका फेवरेट यूट्यूबर भी यही काम करता है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी सुबह से स्टार्ट नहीं होती, रात के 3 बजे से स्टार्ट होती है। दोस्तों मैंने कई सारे वे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जिनसे मेरा चैनल रिलेटेड है, जिस तरह का मेरा चैनल है। मैं रात के 3 बजे उन सभी चैनल्स को देखता हूँ, उन सबके वीडियोस देखता हूँ। मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन मैंने बंद कर रखे हैं ताकि दिन भर जो है उनसे काम डिस्टर्ब ना हो। मैंने टाइम मैनेजमेंट का इसलिए बात की थी। आपको अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियोस एक खास वक्त पर ही देखने हैं, और ये वक्त अगर सोने से पहले का है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रामानुजन के बारे में आपने जरूर ही सुना होगा। आज के युग की अगर बात करें तो इलॉन मस्क भी यही करते हैं। चलिए छोड़ते हैं कि वे ऐसा क्यों करते थे, तो आपको यही करना है। अगर सोने से पहले वे वीडियोस आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक खास वक्त पर अपने सभी फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियो देख डालने हैं। मैं ऐसा 3 बजे करता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते ही फ्रेश माइंड से मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या याद है, यही वो वीडियो है जो सबसे इंटरेस्टिंग था। उसके बाद मैं देखता हूँ रात जो मैंने वीडियोस देखे उनमें क्या कुछ कॉमन था, यही वो टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसके बाद मैं उस टॉपिक पर अपने तरीके से लिखता हूँ। ऐसा मैं कैसे करता हूँ ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम इसे लंबा नहीं करने वाले इस वीडियो को। उस पर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ अपने तरीके से, जो याद है जैसे याद है उसी तरीके से मैं अपने शब्दों में उसे लिख लेता हूँ। यही आपको करना है, कॉपी पेस्ट करना है लेकिन अपने तरीके से करना है। दोपहर तक मैं अपने दूसरे चैनल से फ्री हो जाता हूँ, स्पेशली सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल से स्पोर्ट्स के वीडियो अपलोड करने के बाद 2:30-3 बजे मैं इस वीडियो को जो मैंने अभी स्क्रिप्ट लिखी है इसे शूट करता हूँ, और जो कल एडिट किया था उसे 5-6 बजे के बीच में अपलोड कर देता हूँ। पब्लिश नहीं करता, अनलिस्ट करके काफ़ी देर तक वो वीडियो पड़ा रहता है, और बीच बीच में मैं ये डिसाइड भी कर लेता हूँ कि उस वीडियो को आज ही रात 9 बजे डालना है या कल सुबह 8-9 बजे। ये खास टाइम है, इसी वक्त वीडियोस अपलोड करें। हालांकि कोई टाइम खास नहीं होता, ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस पर नहीं ज़्यादा हम बहस करेंगे। जिस तरह से सबका एक फेवरेट यूट्यूबर है उसी तरह से सबका एक फेवरेट टाइम होता है, मेरे भी कुछ हैं। तो मैं अपने फेवरेट टाइम का डिसीजन बाद में लेता हूँ, एक बार उसे अनलिस्ट करके छोड़ देता हूँ। अब मैं उस अनलिस्टेड वीडियो के लिए सबसे पहले थंबनेल बनाता हूँ जिस पर मैं काफ़ी वक्त लगाता हूँ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स पर भी मैं घंटा भर लगा देता हूँ। ऐसा कैसे करते हैं सही तरीके से, फिर से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 बजे से पहले मैं कल वाले वीडियो को पब्लिश कर देता हूँ इस एक अच्छे टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के साथ। 10 बजे मेरी फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को भूल जाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट फिर से याद दिलाता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सारे फोकस के साथ अपने मेन प्रोफेशन पर काम करता हूँ, और फिर उससे मैं करीब 2:30-4 बजे फ्री होता हूँ। आगे की कहानी आप जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सार मोरल क्या है, आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं जो कि आपका फेवरेट है। आप उन्हें कॉपी करें, उनका कॉपी क्या करें, आप उनका स्टाइल कॉपी करें, एग्जैक्टली स्टाइल कॉपी कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो को कभी अपलोड न करें। आपके फेवरेट यूट्यूबर योगी जी हैं, आपके फेवरेट यूट्यूबर एलग्रो हैं, महात्मा जी हैं, कोई भी हैं, आप उनसे प्रभावित हैं। आपके फेवरेट वो क्यों हैं, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप प्रभावित हैं,
अगर आप उनसे प्रभावित हैं, उनके जैसा शायद बनना भी चाहते हैं, तो कुछ उनके बनने के लिए कुछ प्रैक्टिस करें। आप एग्जैक्टली उनके वीडियो की कॉपी कर सकते हैं, छोटे वीडियो से शुरुआत करें, उनकी एग्जैक्टली कॉपी करें और देखें कि क्या आप उनके जैसा कर पा रहे हैं। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की भी मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं कि भाई इसके जैसा किया है थोड़ा बताना, तो उससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं बनेंगे, इतना फिर इतना फिर इतना। ऐसा करने के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी कि आप उनसे बेटर भी बन सकते हैं। दोस्तों ये लाइफ है, यहाँ पर रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं ताकि टूट जाएं। मुंबीकर निखिल व्लॉगिंग में टॉप पर थे, आज सौरभ जोशी हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है कि आप अपने फेवरेट यूट्यूबर से अच्छा बन गए हैं, बल्कि उन्हें भी खुशी होगी कि कोई तो है जो कि उनको देखकर उनसे सीखकर कुछ अच्छा कर रहा है और उनसे भी अच्छा कर रहा है। तो ये है सही तरीका कॉपी करने का। रिवाइज करता हूँ, पूरा सार बताता हूँ आपको। हाँ, बात बीच में रहेगी, अभी जो मैंने कहा था एग्जैक्ट कॉपी करने का, वो सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी। हम एग्ज़ाम देने से पहले भी तो 70 बार प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, वो आपका एक मॉक टेस्ट ही है। आप इस तरह के वीडियो जो हैं प्रोफेशनली कभी अपलोड न करें। अपलोड करने के केस में, यानी कि अपने एक्चुअल वीडियो के लिए तरीका वही है जो कि मैंने अभी तक आपको बताया। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स कई सारे वीडियोस मत देखें, आप वीडियो को देख लें, पूरा देख लें, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दें। अब याद करने की कोशिश करें, याद वही बातें आएंगी जो कि अच्छी थी। 2 बार भी देख सकते हैं वीडियो आप, 3 बार भी देख सकते हैं। उसके बाद जब आप उसे लिखने बैठेंगे तो लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाएगी। और कोशिश करें कि उस टॉपिक पर जो कि आपने देखा, उसे इंटरनेट है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल उठाएं और उस टॉपिक पर थोड़ी और रिसर्च करें। अच्छे आर्टिकल मिलते हैं, वेबसाइट्स मिलती हैं, उन्हें पढ़ें उससे रिलेटेड। इसलिए मैंने कहा था कि फेवरेट यूट्यूबर्स, कई सारे यूट्यूबर्स का नाम लिया था, एक ही टॉपिक पर 1, 2, 3, 4, इन 4 लोगों के बताने का तरीका अलग होगा और उनके पास इन्फॉर्मेशन भी अलग होगी। इस भाई को देखकर इसने वीडियो बनाया, इस भाई को देखकर इसने वीडियो बनाया, या किसी और को देखकर वीडियो बनाया, तो उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन का भंडार होगा। उस भंडार में से जो आपको याद रहा, जो खास था, उन्हें लेते हुए आप वीडियो बना डालें। अब कुछ लोगों के यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कॉपीराइट को लेकर। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, आइडिया पर किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट नहीं है। आइडिया का मतलब ये है कि फ़ोन से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इस पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। कुछ पहले बने हैं, कुछ बाद में बने हैं, कुछ दोबारा बने हैं। मीन्स कि वे चैनल जिन्होंने इस टॉपिक पर, इस टॉपिक को कवर किया है, वीडियो बनाया है, उन्होंने भी इस टॉपिक पर कई बार वीडियोज़ बनाए हैं। क्योंकि वक्त बदलता है, अपडेट्स आते हैं, समय बदलता है, ज़माना जैसे जैसे बदलता है तरीके भी बदलते जाते हैं। तो ये एक आइडिया है, तो इस आइडिया पर किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट है अगर आप उसे पूरे का पूरा कॉपी कर दें, वो भी कॉपीराइट नहीं है। अगर आप किसी की स्क्रिप्ट पूरी की पूरी ले लेते हैं, मीन्स वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देते हैं, तो कॉपीराइट नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, कॉपीराइट के अलावा एक और भी पॉलिसी होती है यूट्यूब की, इम्परसिनेशन। किसी की इमेज को कॉपी करना, इमेज मतलब फोटो नहीं, किसी की छवि को कॉपी करना, तो उस पर भी यूट्यूब जो है आपको पेनल्टी कर सकता है। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है। आइडिया लीजिए अपने फेवरेट यूट्यूबर से, उस पर काम कीजिए, उस पर वीडियो बनाएं, इस तरह से कॉपी पेस्ट करें, न कि सब कुछ कॉपी पेस्ट करें। यहाँ हम देखते हैं एग्जैक्ट फॉन्ट वही, कलर्स वही, बैकग्राउंड वही, थंबनेल की बात कर रहा हूँ, सब कुछ वही। और जब वीडियो के अंदर जाते हैं तो स्टार्ट भी वैसे, एंडिंग भी वैसे, सब कुछ वैसे। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मुझे मत बताएं, पहले ये एड देख लें। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले, तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। मान गए। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं कि अगर आप वही सब कुछ बता रहे हैं तो कोई वो क्यों ना देखे। उन पर ज़्यादा विश्वास है लोगों का। आप नए हैं, नए नए बिजनेस पर किसी का विश्वास नहीं होता, भले कितनी अच्छी कंपनी हो। जियो आया था और तो एकदम से जियो छा नहीं गया था। जियो ने विश्वास जीता है, धीरे धीरे बताया है, दिखाया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है। आज वो इंटरनेट के मामले में हर एक फ़ोन में जियो है। कुछ लोग इसे जस्टिफाई करते हैं, मतलब कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, इस पर बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि
एग्जैक्ट कॉपी से बताकर कुछ सिखाकर हम एक नई ऑडियंस को बताना चाहते हैं। हो सकता है ओरिजिनल क्रिएटर जिसने ये सब कुछ बताया हो उसको किसी ने न देखा हो, हमको देख लिया तो किसी का भला हो गया, ये सिर्फ एक बहाना है, इस बहाने से बचें। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना है, लोग आप में कुछ नया देखना चाहते हैं। बस एक बात बता दें, इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्रिकेट का शौक़ तो आप रखते होंगे, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं अभी इस वीडियो को देख रहे हैं रखते हैं। क्या आप सिर्फ एक चैनल को देखते हैं मैच खत्म होने के बाद? स्पोर्ट्स तक देखते हैं, पता नहीं कितने सारे चैनल देखते हैं, स्पोर्ट्स यार ही देखते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तानी मीडिया पर चले जाते हैं, पाकिस्तान इस मैच के बारे में क्या कह रहा है। आप फिर और किसी भाई के देखते हैं, रिकॉर्ड वाले वीडियो देखते हैं, 70 तरह के वीडियो देखते हैं आप, और जो चीज़ आपने पहले सुन रखी है, देख रखी है, उसको आप सीधा स्किप कर देते हैं। तो अगर आप किसी की एग्जैक्ट कॉपी करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, जो कि आपके चैनल के करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कॉपी करें, बिंदास करें, लेकिन इस तरीके से करें। आप इस बात से कितना एग्री डिसएग्री करते हैं, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो अभी कर दीजिए, फिर चैनल छोड़िए, चैनल छोड़कर जाइए मत, चैनल पेज पर आपको कई सारे और अच्छे वीडियो मिल सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी ही, अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद।